कन्या थाना विद्युत मंडल पर ग्राम चमरोआ के ग्रामीणों ने जमकर विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम और विद्युत मंडल के खिलाफ नारे लगाए। पिछले कई दिनों से बिजली न मिलने से परेशान ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों को बिजली की परेशानी से अवगत कराया था एवं कई आवेदन देने के बाद भी बिजली सुधार न होने से नाराज ग्रामीणों ने कन्या थाना के मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया और विद्युत मंडल अधिकारी होश में आओ इस प्रकार के नारे लगाए। जैसे ही चक्का जाम की सूचना खन्या थाना प्रभारी रत्नेश यादव को लगी, वह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाने का प्रयास किया। तभी भाजपा प्रत्याशी प्रीतम सिंह लोधी भी मौके पर जहां पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाया। वहीं दूसरी ओर विद्युत मंडल अधिकारी ने ग्रामीणों से मिलकर समय पर बिजली व्यवस्था सही करने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया। वर्तमान में पूरे मध्य प्रदेश में पावर क्राइसिस चल रहा है, जिस कारण अघोषित कटौती हो रही है। इसके साथ ही चमरुआ गांव में पंप लाइन पर आबादी लाइन से ड्रॉप डाल के विद्युत तो चलाई जाती है, जिस कारण आबादी लाइन ट्रिप हो रही बार बार। इसके कारण समस्या आ रही है। नहीं तो इतनी समस्या इनके यहीं आ रही है या सब पूरे अपने आपके पूरे खनिया थाना ब्लॉक में सब जगह ही आ रही है? सब जगह ही आ रही है। तो चुलाइट की परेशानी है और अगर 10 मिनट 20 मिनट देते हैं तो बराबर तीनों फीस दे देते हैं। 20 मिनट बाद 1 घंटे बाद कह देते हैं कि लाइन फॉल्ट है। फॉल्ट के कारण ये 6-6 घंटा 8-8 घंटा गोल कर देते हैं लाइन को। क्या कारण है? आप बिल भरते हो समय पर? समय पे बिल भरते हैं, पूरा चमरुआ में देख ले उठा करके बिल सबका जमा है। कितनी बार अवगत करा दिए इनको विद्युत मंडल वालों को? विद्युत मंडल वालों को 3 बार कहास कलवा दी। क्या कह देते हैं? बेचे कह देते हैं कि हो जाएगी। 3 साल से कृषि लाइन नहीं है, उसका तार भी नहीं है, पोल नहीं है। तो वे कहते हैं तार पोल भी पुराने हो चुके हैं, टूट गए हवा से, पेड़ से मतलब टूट चुके हैं। फिर भी उनसे कहते हैं कि कृषि लाइन चालू करो। ये कहते हैं कृषि लाइन वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, कृषि लाइन यहाँ तक आएगी। आज आए तो क्या बोला उन्होंने और किस प्रकार आश्वासन दिया आज उन्होंने? आज उन्होंने आश्वासन दिया है कि तुम्हारी हो जाएगी लाइन ठीक ठाक। अगर ठीक ठाक होती है तो ठीक है, कल सवेरे तक नहीं होती है तो कल 9 बजे फिर चक्का जाम किया जाएगा। तो अब यहाँ के जनता समझ गई है। अभी क्या है कि मेरी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, मेरी प्रधानमंत्री जी से भी बात हुई है। अभी 2-3 दिन क्या है कि मध्य प्रदेश में पूरे में समस्या चल रही है, लेकिन 2-3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्या है कि ठीक हो जाएगी तो पूरी मिलने लगेगी। क्या है कि हमने एक सूखे की मांग भी रखी है कि अगर पानी नहीं बरसा, अगर 2 दिन में पानी नहीं बरसा भाई जान, भगवान तुम्हारे दे ही रहा है, हम सोच रहे हैं कि सरकारी को लाभ दे दे, तो हमने इसकी मांग सूखे की भी रखी है। भगवान न करे सूखा पड़े, हम तो कह रहे पानी बरस जाए तो फिर जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए अब लाइट की हमारे अधिकारी लोग आए हुए हैं और अधिकारियों ने मांग मांगी है और वो इनको लाइट देने को। खनिया थाना से मुकेश प्रजापति की रिपोर्ट।